नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। एक टीवी एंकर जो क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए इंडिया आई हुई थी, वो पाकिस्तानी टीवी एंकर हैं, उनको भारत से निकालने का आदेश दे दिया गया है। जैनब अब्बास नाम है उनका। समा टीवी जो है, जो पाकिस्तान का है, उसने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि भारत ने जैनब अब्बास को निकाल दिया है। उनका दावा है कि जैनब अब्बास अभी दुबई में हैं और उनको भारत में एंट्री नहीं दी जाएगी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए इंडिया आई हुई हैं और भारत ने उनको तत्काल इंडिया छोड़ने की आदेश दे दिया गया है, उनको निकाल दिया गया है। आपको ट्वीट में दिखाता हूँ वो कौन है जिनको निकाला गया है। एक ट्वीट है, ये वो एंकर हैं, ये जो पाकिस्तान, इनको एशिया कप में भी आपने देखा होगा एंकरिंग करते हुए, एशिया कप में देखा होगा एंकरिंग करते हुए। ये वो एंकर हैं पाकिस्तान की जिनको निकाला गया। निकालने की वजह ये है कि उन्होंने कई साल पहले भारत विरोधी कई सारे ट्वीट किए थे, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था उस ट्वीट में, जिस वजह से उनको उनके खिलाफ़ शिकायत दर्ज हुई। कई सारे इन पर धोखाधड़ी और साइबर ठगी के आरोप भी हैं पाकिस्तान में, इंडिया में भी एक शिकायत दर्ज है। तो उस वजह से संज्ञान लेते हुए जैनब अब्बास को इंडिया में जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें एंकरिंग करने से हटा दिया गया है और उनको पाकिस्तान जाने के लिए कह दिया गया। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं अभी दुबई में है। इसके अलावा ये एक इस रिपोर्ट्स के मुताबिक विनीत जिंदल नाम के शख्स ने बीसीसीआई के साथ मिलकर जैनब के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। विनीत जिंदल की ओर से सोशल मीडिया पर अब लिखा गया है कि बीसीसीआई और गृह मंत्रालय को भेजे गए शिकायती पत्र में जैनब अब्बास को आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में प्रेजेंटर के रूप में भारत और हिंदू धर्म के खिलाफ अपमानजनक भड़काऊ पोस्ट के लिए हटाने की मांग की गई। अतिथि देवो भवो सिर्फ उनके लिए है जो हमारे देश और हिंदू धर्म का सम्मान करते हों, लेकिन धर्म विरोधी का भारत धरती पर स्वागत नहीं है। यानी कि उनका कहना है कि इनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये एंकर मोहतरमा इंडिया में नहीं आएंगी, इसलिए उनको पहले से ही बोल दिया गया कि आप मत आइए। उनको आना था क्योंकि उन्होंने जैनब ने 2 अक्टूबर को एक ट्वीट किया था, जैनब की ओर से लिखा गया था कि दूसरी तरफ क्या है इस पर हमेशा उत्सुकता थी। यानी कि वो पाकिस्तान में है, दूसरी तरफ यानी इंडिया में क्या चल रहा है उत्सुकता थी। मतभेद से ज़्यादा कल्चर की समानताएं, मैदान पर प्रतिद्वंद्वी लेकिन मैदान के बाहर दोस्ती, एक ही भाषा और आर्ट के लिए प्यार, बिलियंस लोगों का देश, यहाँ प्रतिनिधित्व, कंटेंट बनाने और काम में बेस्ट लोगों को लाने के लिए क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में बीसीसीआई एक बार फिर भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए विनम्र हूँ। घर से 6 हफ्ते का सफ़र अब शुरू हो रहा है। यानी कि 2 अक्टूबर को उन्होंने कहा था कि मैं इंडिया जा रही हूँ वर्ल्ड कप क्रिकेट के लिए, वहाँ से मैं एंकरिंग करूँगी, अब वहाँ से मैं पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे उनके लिए एंकरिंग करूँगी। लेकिन उनको हटा दिया गया है, उनको कहा गया है भाई आप यहाँ मत आइएगा और आपकी एंट्री बैन है। शिकायत के मुताबिक जो भारतीय वकील हैं उन्होंने कहा है कि 9 साल पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारत इतनी आबादी वाला देश है लेकिन यहाँ पर एक तेज गेंदबाज नहीं पैदा हो सकता। इसके अलावा उन्होंने हिंदू धर्म देवी देवताओं के खिलाफ भी कई सारे ट्वीट किए जिनका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। अब मैं आपको उनको दिखाता हूँ कि उनकी कुछ सोशल मीडिया पर तस्वीरें हैं। ये उनका एक्स अकाउंट है जिसमें वो एशिया कप में एंकरिंग करती हुई दिखाई दे रही हैं, उनके साथ वकार यूनिस हैं और तमाम दूसरे कमेंटेटर हैं जो उनके साथ खड़े हुए हैं। वकार यूनिस देखे खड़े हुए हैं, कई बार इनको आपने देखा होगा पाकिस्तान के जब मैचेस होते हैं उस दौरान आपने देखा होगा। ये समा टीवी ने ट्वीट किया है, उनका कहना है कि वो दुबई में थी, उनको ऐसा कहा गया कि आप इंडिया मत आइएगा। ये वो एंकर हैं जिनको हटाया गया है और विनीत जिंदल की शिकायत पर ये कार्रवाई की गई है। विनीत जिंदल का वो ट्वीट भी दिखा देता हूँ मैं आपको।
ये उनका वो 6 तारीख का पोस्ट है जिसमें जैनम ने वो बात लिखी थी, मैं इंडिया जा रही हूँ और वहाँ के लोग जो है, वहाँ का कल्चर मुझे देखना है और वहाँ से मैं आपको क्रिकेट की हलचल और तमाम चीज़ें दिखाऊंगी। ये एडवोकेट विनीत जिंदल हैं जिनका ये ट्वीट है, ये आप ट्वीट देख सकते हैं विनीत जिंदल का, जिन्होंने जय शाह को भी लिखा हुआ है जो सेक्रेटरी है बीसीसीआई के, उनको भी टैग करते हुए ये लिखा हुआ है। अब सवाल ये उठता है, कई सारे लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि एक 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 जो उन्होंने फ्रॉड का केस उन पर है और भारत विरोधी जो उन्होंने एक दो पोस्ट किए हैं काफ़ी टाइम पहले किए थे, उन पर इतनी जल्दी कार्रवाई हो गई है। नीचे सोशल मीडिया पे लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं कि सीमा हैदर के खिलाफ इतने सारे चीज़ें हैं वो गलत तरीके से इंडिया में आई हैं, उन पर इतनी जल्दबाजी क्यों नहीं कर रहे भाई, उनको क्यों नहीं पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा रहा है, जबकि जैनब को चुटकी बजाते ही ना आने का फरमान सुना दिया गया। आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या जैनब को इंडिया में आना चाहिए था, या अगर हैं वो तो क्या उनको इतनी जल्दी भेजना चाहिए था।